आज हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई। लगभग एक घंटा सुबह सुबह मैं तुरंत ही पहुँच गई छत पर और मैंने अपने पौधों में कुछ काम करना शुरू कर दिया। कुछ पौधे जो गर्मी की वजह से सूख गए हैं उन सभी को मैंने हार्ड प्रून कर दिया, क्योंकि ये सूखे हुए तो हरे होंगे नहीं, लेकिन जड़ में अगर थोड़ी बहुत भी जान होगी तो ये हमारे ग्रीन होकर निकल आएंगे। इस बार गर्मी ने हालत ख़राब ही कर दी और पौधों की कंडीशन देखिए, बिल्कुल सूख से गए हैं। और भी पौधे हैं, कुछ ग्रीन रह गए हैं, उनकी भी मैंने कटिंग प्रूनिंग की है, तो वो देखिए मैंने किस किस तरीके से अपने पौधों को साफ़ शुद्ध किया है। ये देखिए कि ग्रीन है लेकिन इसकी ऊपर की पत्तियां सारी ब्राउन हो गई है, तो इनकी ब्राउन ब्राउन पत्तियों को मैंने हटा दिया है। काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जो पूरे ही बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल पीली पड़ चुकी हैं उनकी पत्तियाँ। ये मेरा केली का पौधा है, इसकी ऊपर की पत्तियां सारी ब्राउन हो चुकी हैं, तो उन सभी को मैंने हटा दिया है, लेकिन जो अंदर से एक पत्तियां निकलेंगी तो वो ग्रीन निकलेंगी, क्योंकि अभी भी स्टेम हरी है। लेकिन एक स्टेम इसमें कली वाली है, वो पूरी नीचे से कट करनी पड़ेगी। इस पौधे में पप्स निकलते हैं, तो पप से धीरे धीरे इसमें नीचे से और पप्स निकल आएंगे, तो केली के पौधे में बहुत सारी पत्तियाँ अंदर से निकलती हैं और इस पर फूल आते हैं ऑरेंज कलर के, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसके। जब मेरे गार्डन हरा भरा हो जाएगा, छत हरी भरी हो जाएगी, दोबारा से मैं इसका व्यू दिखाऊंगी कि पौधे हमारे कटिंग छटिंग के बाद में कैसे हो गए हैं। क्या आपके भी पौधे इसी तरह से ब्राउन हो गए हैं, इतने ज़्यादा जल गए हैं? ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा और ये देखिए पूरी पत्तियाँ इसकी जल चुकी हैं, इसलिए ऊपर से टिप से मैंने इसे प्रून कर दिया है, जिससे कि नीचे से इसमें और निकल आए। वैसे तो नीचे से इसमें दो पप्स और निकल रहे हैं छोटे छोटे, और ये सभी पत्तियां जो ऊपर बड़ी बड़ी थी उनसे ढके होने के कारण वो नीचे वाला ग्रीन है। वैसे मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, इसके ऊपर एक चुन्नी से कवर भी किया था, लेकिन फिर भी ये जल गया। वैसे तो ये पूरी गर्मी अच्छा सा रहा, लेकिन दो चार दिन के बीच में ही ये पूरा का पूरा पीला पड़ गया। ये हमारा गंधराज का पौधा, ये पूरा सूख चुका है, नीचे से हरा है, तो जहाँ से हरा है वहाँ तक मैं इसको प्रून कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर से तो यह भरा होगा नहीं, लेकिन नीचे से इसमें ग्रोथ आ रही है, थोड़ी सी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। कट करने के बाद फंगिसाइड या मिट्टी या फिर कुछ भी हल्दी वगैरह आप लगा दीजिए, एलोवेरा लगा दीजिए, लेकिन इसको खुला मत छोड़िए, तो यहीं से ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। एक घंटे की बारिश में काफ़ी ठंडक महसूस हुई, इसमें देखिए नीचे से ग्रोथ हो रही है। ये हमारा कड़ी पत्ता का एक छोटा पौधा है, बीच से मैंने ग्रो किया था, लेकिन इसमें ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसकी जो पत्तियाँ जिसमें से पत्तियाँ झड़ चुकी हैं उन स्टेम्स को साइड से ही कट कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें दो तीन स्टेम्स निकल रही हैं और उन सभी में ऊपर टिप से ग्रोथ हो रही है, इसलिए मैं इसको ऊपर टिप से नहीं काटूँगी। नीचे से भले ही खाली हो जाए लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं इसमें पिंजिंग कर चुकी थी और उसकी वजह से इसमें तीन चार स्टेम्स निकल रही हैं, तो ऊपर से प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा छोटे पौधे को भी हम प्रून नहीं करना चाहिए, इससे हमारे पौधे छोटे होते चले जाते हैं। इतना सारा कूड़ा हमारे पौधों में निकला है। वैसे तो मैंने और भी काम किए थे, लेकिन वो आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। और ये देखिए शाम को धूप निकल आई और हमारे ये मॉस रोज़ एकदम खिल के हरा भरा हो गया है, और कुछ दिन में फूल भी आने लगेंगे, और हमारा साथ में एलोवेरा हरा हो गया है, जो कि बिल्कुल पीला पड़ चुका था,